हेलो डियर स्टूडेंट, आज 14 अगस्त है। आज के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी भारत की सेवानिवृत्ति जो पीएम होता है उसकी रिटायरमेंट एज क्या होती है। 60 वर्ष, 70 ईयर, 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर, नो लिमिट या कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री की कोई एज लिमिट नहीं होती है, जब तक राष्ट्रपति चाहे उसे बना सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द प्राइम मिनिस्टर सर्व एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे वो रह सकता है और उसे मस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और उसे निम्न हाउस यानी लोकसभा का विश्वास मत हासिल होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री का कोई एज नहीं है, वो कभी तक रह सकते हैं जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहे और उन्हें लोकसभा का विश्वास मत हासिल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इज इट नीड पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर इवरी, यदि राज्य आपातकाल घोषित किया गया है तो प्रत्येक कितने दिनों के बाद इसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी राज्य में अगर आपातकाल घोषित किया गया है तो उसे कितने दिनों बाद संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पहली बात है, जो राज्य में आपातकाल लगाया जाता है वो आर्टिकल 356, ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और इसे हर 6 महीने पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना है। राज्य का आपातकालीन 356 के अंडर में लगाया जाता है और इसे हर 6 महीने पे हो सकता है और मैक्सिमम इसकी लिमिट 3 वर्ष हो सकती है। अगर ये क्वेश्चन बनेगा आपातकाल भारत में किसी राज्य में किस संविधान के अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वो अनुच्छेद है 356, ठीक है, और इसे हर 6 महीने में संसद की अनुमति आवश्यक है देना और ये मैक्सिमम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ये देख सकते हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड एनी स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी केवल जम्मू और कश्मीर में नहीं लगाई जा सकती है और ये द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड कैन लास्ट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 3 ईयर, ये अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है और हर 6 मंथ पर इसको संसद की अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हाँ, और चीज़ बता दूँ आपको, ये PDF आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ वो ईजी आपको PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत बजाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, अजीत बजाज किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, एडवेंचर स्पोर्ट से, क्रिकेट से या हॉकी से, बताइए। अजीत बजाज एडवेंचर स्पोर्ट से संबंधित है, ठीक है, ये एडवेंचर स्पोर्ट से संबंधित है अजीत बजाज। ये कौन है अजीत बजाज, देख लीजिए पिक्चर में। अजीत बजाज हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एडवेंचर स्पोर्ट एज वेल एज द एडवेंचर टूरिज्म इन इंडिया, यानी एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अजीत बजाज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो देख स्पोर्ट से है, स्पोर्ट में भी किससे है, एडवेंचर स्पोर्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ मिलियन
माइन्यूस, ठीक है, यानी विलियम माइन्यूस नाउ के लेखक कौन है? अरविंदो घोष, के पी एस गिल, निराज चौधरी, बी एस नेपाल। द मिलियन मोनेट्स नाउ के लेखक हैं बी एस नेपालन। तो ये मैं ध्यान रखना है, बी एस नेपालन इसके लेखक हैं, ये बुक है, ठीक है, ये तो बी एस नेपाल लिखी है, इंडिया ए मिलियन मोनेट्स नाउ, ये बुक है, आप देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन सिटीज व्हाइट हाउस लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी शहर में व्हाइट हाउस स्थित है? व्हाइट हाउस क्या होता है? व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। व्हाइट हाउस यूएसए के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। ये किस सिटी में, ये पूछा है, तो ये वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में, ये है, आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस है, ये यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ऑफिशियल हाउस है व्हाइट हाउस, ठीक है। इस पर आपको डिटेल देख लेते हैं, व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेसिडेंट इन वर्क प्लेस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, इट इज लोकेटेड ऑफ, ठीक है, वेन्यू नाम वाशिंगटन डीसी है, इन द रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉन एडम इन 1800 से है ये, यह है व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में। विच फेमस कार्टूनिस्ट क्लेम्ड फॉर हिज वर्क नोन एज द कॉमन मैन, किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट को द कॉमन मैन नामक कार्य के लिए प्रशंसित किया जाता है, यानी जाना जाता है कॉमन मैन, यानी कौन ऐसा कार्टूनिस्ट है जो कॉमन मैन आम आदमी के कार्टून बनाने के लिए जाना जाता है, तो वो है आर के लक्ष्मण, ठीक है, आर के लक्ष्मण है ये 1971 से बना रहे हैं द कॉमन मैन, फिर ध्यान रखना है आर, है ना, रशीपुरम काशी स्वामी लायर इज अ लक्ष्मण वाज एट इंडियन कार्टूनिस्ट, ठीक है, तो ये भारतीय कार्टूनिस्ट थे कार्टून बनाने के आम आदमी के लिए। नेक्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, किस उपकरण को वाहन का, किस उपकरण वाहन का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी कौन सा उपकरण है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के काम में आता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर, तो दैट इज द ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर किसी व्हीकल में उस व्हीकल द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है, ठीक है, ये होता है ओडोमीटर। नॉर्मली सबने आपने देखा होगा, इसे ओडोमीटर कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। ओडोमीटर एज अ ओडोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज एज अ मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल सच एज द बाइसिकल और कार। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द फंक्शनिंग शेयर मार्केट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेबी, सेबी शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, ठीक है, सेबी बात को जान लेते हैं। सेबी जो है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेबी एक्ट 1992, ठीक है, और एक इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, ये बात ध्यान रखना है, उसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। तो कभी पूछ सकता है कि सेबी कब, सेबी की स्थापना कब हुई, 1992 में, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, ये काम क्या करता है, इंडियन सिक्योरिटी इंडियन शेयर मार्केट को ये रेगुलेट करता है, ठीक है, तो ये सेबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 है, ओके,
ठीक है। नाइन है द मेटल विच गिव्स रूबी स्टोन इट्स रेड कलर, कौन सी धातु रूबी पत्थर को लाल रंग कर देती है, कौन सा ऐसा मेटल है जो रूबी स्टोन होता है उसको रेड में कन्वर्ट करता है, तो दैट इज मेटल इज क्रोमियम। एक्चुअली क्रोमियम का यहाँ तो यूज है बट इसका मिस यूज भी है। क्रोमियम क्या होता है, एयर वाटर फूड में पाया जाता है, अगर ये इंसान के पेट में चला जाए भोजन हवा या पानी के माध्यम से तो इसमें ये लंग्स कैंसर कर सकता है। अभी हाल के दिनों में इंडिया में तमिलनाडु में इसकी मात्रा पानी में अधिक पाई गई थी लेवल से ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहला है रूबी पत्थर को कौन सा मेटल लाल कर देता है, तो क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम एक भारी पदार्थ है जो मानव के लिए हानिकारक है, यह हवा पानी और भोजन में पाया जाता है, अगर ये इंसान के खाने पानी में और हवा में अंदर चला जाए पेट के तो इससे लंग्स कैंसर होने का खतरा रहता है। अभी हाल के दिनों में तमिलनाडु में इसकी मात्रा लेवल से अधिक पाई गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है डाउन कर। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट रेपो रेट इज अ डिटरमाइंड बाय, रेपो रेट दर को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, आरबीआई एंड केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वह रेट होता है जिस पे बैंक लोगों को लोन देता है, ध्यान सुनिएगा, रेपो रेट वह रेट होता है, वह दर होती है जिस पर कोई बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देता है, और यह डिसाइड होता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, ये आरबीआई द्वारा डिसाइड होता है। तो रेपो रेट इज अ रेट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है ना लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, ऐसा एक दर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें आंसर है, आप हमको आंसर को भी मिला सकते हैं, सेम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, फ्यूचर के लिए इसको सेव कर सकते हैं।